पिछली किस्त में आपने देखा संधार पांपोर कश्मीर के एक किसान अब्दी राथिर की बीवी जब पड़ोस की औरतों से बांझपन के ताने सुनती है तो उम्मीदें लेकर मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा मसूद के दरबार में हाजिरी देती है। ख्वाजा साहब उसके हक में दुआ फरमाते हैं और शाम जब अपना आंचल फैलाने लगती है तो वो गांव का रुख कर लेती है। रात के सन्नाटे और शाही फौजों की नकल हरकत से खौफजदा होकर वो पास की एक सराय में पनाह लेती है। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अब तुम ज्यादा काम मत किया करो। क्यों? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे बूढ़ी नहीं, अब तो तुम माँ बनने वाली हो, हमारे घर में चांद के टुकड़े की माँ। ना जाने मेरा दिल घबरा क्यों रहा है। अरे खुदा रहम करे, क्या हो गया? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, बाबा की कुछ बातें अभी तक मेरे जहन में गूंज रही है। लेकिन बाबा ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम घबरा रही हो? ना जाने उनकी कुछ बातें मुझे अजीब सी लगी। अजीब सी? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा? उन्होंने कहा हमारी लड़की होगी, नाम रोशन करेगी। अरे तो ठीक ही कहा, इसमें बुरा क्या है? नहीं वो लड़की नाम रोशन। अरे बिल्कुल सही कहा उसने, तुम्हें नहीं मालूम? जब चांद का टुकड़ा हमारे घर में आएगा फिर देखना, सिर्फ हम ही नहीं हमारा घर भी जगमग रोशन होगा। हाँ आ जाओ। इसमें क्या है? इसमें? अरे इसमें तो बहुत कुछ है हमारी परी के लिए। इसके लिए नए कपड़े हैं, चूड़ियां हैं। इसकी माँ के लिए भी है।
क्यों इतना कुछ खर्च करते हो? अभी तो हमारी बेटी अल्लाह अल्लाह करके एक साल की हुई है। अरे क्यों ना करें। अरे वं 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 वं। अरे इतनी खुशियाँ जो दे गई हमें, हमें तो नई जिंदगी दी है इसने। अजू अजू अजू, याद है बाबा के पास किस तरह लड़के की मुराद लेकर गए थे हम? अरे पगली, हमें क्या मालूम था, लड़कियाँ तो खुदा की रहमत होती हैं। मेरी मानो तो इस बार फिर बाबा के पास हाजिरी देने जाएं। अरे वाह, नेक काम में देर कैसी, कहो कब चलें, वहीं से अपनी जान का नाम भी हासिल कर लेंगे। और मेरी तमन्ना है कि हम इस साल चारे शरीफ भी जाएंगे। अरे हाँ, करीबन हम 2 साल से वहाँ नहीं गए, मेरा भी दिल तड़पता है जाने को। पहले बाबा से अपनी जान का नाम हासिल कर लेंगे और अपने हजरत नुंद्रिश है ना, उनकी दुआओं से इनकी उम्र दराज होगी और हमारी जितनी भी परेशानियां हैं सबकी सब खत्म हो जाएगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी आता हूँ, चलो तो सही। अरे वाह वाह, चलो 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 चलो। दर्दे चंद ए बादे गुरु, दर्दे चंद ए बादे गुरु, बादा दर्दे चंद ए बादे गुरु, बादा दर्दे चंद ए बादे गुरु, बादा दर्दे चंद ए बादे गुरु। भाई वहां मत बैठिए, ये जगह बाबा ने अपने खास मेहमान के लिए मखसूस रखी है। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बैठने दो। वालेकुम अस्सलाम। बैठने दो, इनसे बढ़कर खास मेहमान और कोई नहीं है। बैठो राथर, बैठो। कहो कैसे हो? बस आपकी दुआओं से हम सब बहुत खुश हैं। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बेटी मुबारक हो। ये तो आप ही की दुआओं का नतीजा है। बस अब हमारी इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए। हम इसे क्या दुआ दे सकते हैं राथर, ये तो हम सब के लिए दर्द का दरमा है। क्यों, अब बेटा चाहिए या बेटी? हमें क्या मालूम था बाबा कि हमारी ये बच्ची तो जिंदगी की सारी खुशियां लेकर आएगी। बस हमारी इस बच्ची के लिए और इसकी सलामती के लिए दुआ कीजिए। ये तो सलामती ही सलामती है राथर। क्या नाम रखा है? बस इसीलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए। बहुत प्यारी बच्ची है, बारे अल्लाह तेरी कुदरत, एक दहकान के घर में इस नेक बख्त ने जन्म लिया है। ये तो सरापा चांद है चांद। बाबा इसकी रोशनी से सारा कश्मीर रोशन होगा, सारा कश्मीर। हमारी इस बच्ची के लिए कोई अच्छा सा नाम तजवीज कीजिए। नाम हम क्या तजवीज करें राथर, ये तो अपना नाम साथ लेकर आई है। ये तो जून है, जून। ये सब तो आपने मुमकिन बना दिया बाबा, वरना हम इस रोशनी के लायक कहां थे। अब तुम जा सकते हो। अल्लाह, लेकिन ठहर, हमने इस बच्ची को मुंह दिखाई तो दी ही नहीं, पर हम दे भी क्या सकते हैं, मुझ जैसे फकीर के पास देने के लिए है ही क्या। अब जाओ। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। Thank you.
کے بر سر نفس نا فر جام را او نا فر جام را او نا فر جام بر سر کن غم ایام را غم ایام را غم بلا میرا جاگے گا چوہا تیرا بھاگے گا بلی میری آئے گی دودھ بلائی لائے گی بلا میرا جاگے گا چوہا تیرا بھاگے گا بلی میری آئے گی دودھ بلائی لائے گی بلا میرا جاگے گا چوہا تیرا بھاگے گا بلی میری آئے گی دودھ ملائی لائے گی بلا میرا جاگے گا چوہا تیرا بھاگے گا بلی میری آئے گی دودھ ملائی لائے گی بلا میرا جاگے گا چوہا تیرا بھاگے گا بلی میری آئے گی دودھ ملائی لائے گی तुम रूठ क्यों गई? कुछ नहीं, बस यूँ। क्या तुम हमारे साथ नहीं खेलोगी? हाँ खेलूंगी, क्यों नहीं खेलूंगी? तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इन घिसे पीटे गीत तो तंग आ चुकी हूँ, अब नहीं गाऊंगी। तो तुम्हारे लिए नए गीत कहाँ से लाए? हाँ नए गीत, चलो नए गीत गाओ। चलो
गाना किसने कहा है? तुम लिख रही हो या गाना सुन रही हो? दोनों काम कर रही हूँ। बताओ ना, क्या ये गाना तुमने कहा है? नहीं बेटी, पामपुर में एक बूढ़ी शायरा है, उसी ने कहा है। उनका नाम क्या है? फ्रस्थर, बहुत ही नेक सीरत औरत है। मुझे भी ले चलोगी ना उनके पास? मैं भी गाने लिखना चाहती हूँ। जरूर ले जाऊंगी। अब तुम मश्क पूरी करो। दूध पियोगी? नहीं माँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, बड़ी हो गई है तू, चलो दूध पियो। नहीं माँ, पहले मैं अपनी मश्क पूरा करती हूँ, फिर पीऊँगी। मौलवी साहब के पास जाने का वक्त आया है। अच्छा गाती हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसा कहाँ गा सकती हूँ। और ये गाने मेरे अपने थोड़े ही हैं। इनमें से कुछ ललदेद ने कहे हैं तो कुछ नुंद ऋषि ने और कुछ। पर माँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, खुले जाफरान से जो नरगिस ने पूछा, है जाती बहारें तेरा कैसा खिलना, कहा घुलने जाना है आते ही फिर से, चमन किसका मस्कन सदा किसको रहना। कहो मेरी जान, ये उदासी क्यों छा गई? कुछ नहीं माँ, बस यही। नहीं, कुछ तो है, बताओ ना क्या बात है। सोचती हूँ माँ कि मैं भी कभी गाने कहूँगी और लोग मेरे गाने कहा करेंगे, पर पता नहीं क्यों अंदर जो है वो जुबान पर नहीं आता। पर तुमने तो कई गाने अपने बनाए हैं, तुम हमें रोज सुनाती हो। पर उनमें वो मिठास कहाँ है, क्या करूँ, काश मेरे गानों में भी ऐसे मिठास होती। तुम अभी छोटी हो, कुछ पढ़ो लिखो फिर अच्छी शायरा बनोगी। अरे भाई, माँ बेटी में क्या राजदारी की बातें हो रही हैं, जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। हमारी जान शायरा बनना चाहती है, इसे कभी प्रसर के पास ले जाओ। अच्छा भाई, जरूर ले जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी को तो अभी पढ़ना है, अभी मौलवी साहब के पास जाना। क्यों बेटी, तैयारी कर ली ना? जी। तो कहाँ है तुम्हारी मश्क? तो लेके आओ। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ। अरे जाओ मेरी जान, अल्लाह तेरा निगेबान। हाँ हाँ
समल साहब, आप शहर से आए हैं, वहाँ का हाल बताइए। अब अमन और शांति की उम्मीद भी है कि बस ऐसे ही चलता रहेगा? क्या बताएं मौलवी साहब, हाल कुछ ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर नफरत की आग भड़क रही है। ना जाने कब किस दिन ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। पर सुना है जब से सुल्तान गाजी चक ने सल्तनत की बागडोर अपने भाई सुल्तान हुसैन चक के हवाले की है, शहर में सुकून है। वो तो ठीक है मौलवी साहब, लेकिन जब तक महलों में इख्तदार की लड़ाई जारी है, अवाम में बेचैनी और इंतशार जारी रहेगा। सुल्तान जब भी इंतजामी उमूर में मशगूल होते हैं, कोई ना कोई इंतशार पसंद फितना खड़ा करने की कोशिश करता है। अभी परसों की ही बात है, काजी हबीब पर हमला किया गया, शायद वो बच नहीं पाएगा। अवाम में बदले की आग और भड़क चुकी है। सुना है सुल्तान ने कातिल को गिरफ्तार करवाया और उसे संगसार किया जा रहा है। कुछ नहीं होगा इन गिरफ्तारियों से जब तक कि लोग फिरका परस्ती के हिसार से बाहर ना आए। इसके लिए तालीम को आम करना होगा। दरअसल जहालत की बुनियादी वजह भी लोगों की नाख्वांदगी है। अरे हुजूर, हमने आपका बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, आप तो बच्चों के साथ मसरूफ थे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बच्चों, मेरे साथ पढ़ो। करीमा करीमा विवक्षा बरहालिमा किहस्तम असिरे कमंदे हवा। चलो जोनी बेटा, अब तुम सुनाओ। करीमा सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या आवाज बख्शी है कुदरत ने तुम्हें। सीखा है कहीं से? कहाँ से सीखती, घर में माँ गुनगुनाती रहती है ना, और मैंने परिंदों को भी गाते सुना है। मौलवी साहब जिंगर भी गाते रहते हैं, और ये छोटी छोटी नदियाँ भी तो। खामोश। अरे नादानो, जूनी ने फितरत से सबक सीखा है। इसकी रूह फितरत की रूह के साथ नगमे गाती है और रक्स करती है। हाँ बच्चों, अपनी अपनी तख्तियाँ निकालो। हाँ तुम दिखाओ। हाँ ठीक है, तुम दिखाओ। ठीक है, तुम दिखाओ। ठीक है, ये मैला लिखाओ, साफ करके लिखो। तुम दिखाओ बेटा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह बेटी वाह, अल्लाह तुमको सलामत रखे। ये देखो बच्चों, होनहार जूनी ने कितनी अच्छी इबारत लिखी है, ये देखो। जूनी बेटा, आज तुम इन बच्चों को तख्ती लिखना सिखाओगी? पर मौलवी साहब, ये मेरा कहना कहाँ मानेंगे? नहीं मानेंगे तो ये अकुलनुमा किस काम के लिए है, और अपना नुकसान भी तो खुद ही करेंगे। हाँ फिलहाल हम नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर कोई भी बच्चा शैतानी या शोर करेगा तो जूनी बेटी हमें बता देगी, है ना जूनी? जी। अल्लाह तुमको सलामत करे। आज बड़ी सी खाने वाली,